पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ातरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन YouTube के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है, लेकिन YouTube में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ातरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319699927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है, मैं हूं कृष्णा संडे। चलिए न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर्स एंड हार्डवेयर, रेट में कम क्वालिटी में दम। 7 अप्रैल को हुई प्रदेश शासन की हाई लेवल मीटिंग, लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, संडे लॉकडाउन सहित 5 दिन लगेंगे शासकीय कार्यालय। लांजी तहसील के रिसेवाड़ा क्षेत्र में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई मोटरसाइकिल, घटना में 2 लोगों की हुई मौत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बस बंद, शहर के मोती गार्डन पर लोगों के प्रवेश पर लगी रोक। मध्य प्रदेश परिवहन कर्मचारी अधिकारियों की शुरू हुई अनिश्चितकालीन हड़ताल, जिला परिवहन कार्यालय में बंद हुए सभी काम। कोरोना पॉजिटिव के परिजन ने खोली दुकान, 2 दुकान हुई सील, 1 व्यक्ति पर भी हुई FIR। जहरीली वस्तु के सेवन से जिला अस्पताल में भर्ती 1 व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक दिलीप सोनवाने 50 वर्ष ग्राम चिल्लो थाना बारासुनी निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 अप्रैल को 12 बजे करीब दिलीप सोनवाने ने अपने घर में किसी जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट में लाकर भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान रात्रि 12 बजे करीब दिलीप सोनवाने की मौत हो गई। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा वार्षिक परीक्षा तथा प्री बोर्ड परीक्षाओं के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। विकल्प 1 के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन होगा, वहीं विकल्प 2 के अनुसार विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र विद्यालयों से वितरित होंगे, जिससे विद्यार्थी घर पर हल कर विद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपने विद्यालय में जमा करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा तथा कक्षा 10वीं एवं 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र विद्यालयों से वितरित होंगे, जिसे विद्यार्थी घर पर हल कर विद्यालय के द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपने विद्यालयों में जमा करेंगे। जबकि अशासकीय विद्यालयों को यह छूट होगी कि वे या तो ऑनलाइन परीक्षाएं संचालित कर लें या फिर शासकीय विद्यालयों की तरह विद्यार्थियों से घर पर प्रश्न पत्र हल कराकर विद्यालयों में जमा करा के मूल्यांकन करें। वर्तमान समय में बालाघाट जिले में प्रतिदिन कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है, जिसमें लालबरा ब्लॉक भी अछूता नहीं है। गत दिनों पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा बल्लारपुर में कोरोना संक्रमित लोगों के गोंदिया में भर्ती होने संबंधी खबर को प्रमुखता से पद्मेश 24/7 पर दिखाया गया था, जिसके पश्चात प्रशासन के द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेते हुए 6 अप्रैल को कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 28 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य मुख्य रूप से पंचायत के अंतर्गत हनुमान मंदिर गली वार्ड क्रमांक 11, 12, 13, 14 व 15 में वायरल संक्रमण फैला है, जहां पर ग्रामीण बुखार, डायरिया व सर्दी खांसी से पीड़ित है एवं इलाज करवा रहे हैं। वहीं अब तक 4 लोगों के द्वारा गोंदिया में कोरोना संक्रमित होने के बाद इलाज करवाए जाने की जानकारी मिली है, जिसमें से 2 लोग स्वस्थ होकर वापस गाँव लौट चुके हैं एवं 2 लोगों का वर्तमान समय में गोंदिया में इलाज चल रहा है। इस संबंध में दूरभाष पर चर्चा के दौरान ग्राम प्रधान खेमराज हरिणखेड़े ने बताया कि 6 अप्रैल को 30 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 4 लोगों की जांच रैपिड किट से की गई, जिसमें 4 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। वहीं 26 ग्रामीणों के RT-PCR जांच हेतु सैंपल लिए गए हैं, जिसे जबलपुर लैब भेजा गया है। इन लोगों की रिपोर्ट 8 अप्रैल को देर शाम तक आने की संभावना है। 5 वार्डों को सील करने के पश्चात तहसीलदार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इन वार्डों में निवासरत ग्रामीणजन अपने अपने घरों में ही रहे एवं किसी भी प्रकार की सामग्री आवश्यकता पड़ने पर आशा कार्यकर्ता, ANM व ग्राम प्रधान से संपर्क करें। करीब 1 साल से कोरोना संक्रमण के चलते जहां एक ओर हर वर्ग का व्यक्ति परेशान है, तो वहीं COVID-19 शिक्षित युवाओं के सपनों पर भी ग्रहण लगा रहा है। आपको बताएं कि COVID-19 के चलते शासन के द्वारा जहाँ एक ओर विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन को निरस्त कर दिया है, इन परीक्षाओं की तिथि में भी बदलाव किए गए हैं और यह क्रम लगातार 1 साल से चला आ रहा है, जिसने शिक्षित युवाओं को परेशान कर रखा है।
इस ज्वलंत विषय को लेकर पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा जब शिक्षित बेरोजगारों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि कोविड 19 के कारण जहां एक ओर रोजगार के अवसर कम हुए हैं, वहीं दूसरी ओर आने वाले भविष्य में युवाओं को रोजगार के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। दिक्कतें तो बहुत कुछ जाएगी, जैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, अभी पढ़ाई हो नहीं पा रही ढंग से, सबकी छात्रों की क्लास लग नहीं पा रही है, और इससे क्या है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है लेकिन पढ़ाई हो नहीं पा रही, तो बेरोजगार युवा रहेंगे, उनके पास नॉलेज तो नहीं रहेगा ना, वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो पा रहा है उनका, ऑनलाइन से हो रहा है, इससे तो बहुत प्रभाव पड़ेगा। या तो सब घर में पड़े हैं और काम वाम कुछ हो नहीं पा रहा है, नौकरी भी नहीं निकाल पा रहे हैं, और पढ़ाई तो बहुत बहुत दिनों से कर रहे हैं लोग। तो कोरोना चल रहा है तो अभी रुके हुए हैं, तो सार्थक ऐसा है कि हो भी पाएंगे ना भी हो पाएंगे, कि कोरोना चलते हुए वैक्सीन समझ में नहीं आ रहा है कुछ ही, कहाँ से पढ़ाई करें, कहीं लॉकडाउन लग रहा है, कई जगह लॉकडाउन लग रहा है, जिससे हमें ये भी सतना जाना है तो अभी सतना ना जा पाएंगे हम, पढ़ने की और स्टडी करने की उनकी जो लिंक थी टूट जाएगी, ना पढ़ पाएंगे, क्योंकि जब कुछ जॉब ही नहीं मिलेगी तो कौन पढ़ेगा, बहुत ऐसे सोच बन जाएगी ना स्टूडेंट की, सोच बन जाएगी कि हम क्या करेंगे, सब बेरोजगार हो गए। देखो रोजगार ऐसा है कि जैसे युवा पढ़ रहा है तो ये सोच कर ही पढ़ रहा है कि कुछ हमें जॉब मिले ताकि हम कुछ कर पाए, क्योंकि कोई अच्छे घर से होता है, कोई रिच फैमिली से होता है, कोई लो फैमिली से होता है, इस अनुसार लो फैमिली ज़्यादा अधिक स्टडी करता ताकि वो पढ़े और कुछ लग सके, अगर उसे जॉब ही नहीं मिलेगी तो क्या करेगा। इस संदर्भ में स्टेनो की तैयारी कर रहे छात्र पवन कावरे ने कहा कि पिछले साल से भर्तियां कम निकल रही है जिसके कारण काफ़ी युवा बेरोजगार हो गए हैं, यदि कोरोना संक्रमण के चलते यही हालात बने रहे तो युवाओं को आने वाले समय में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। देखते हैं कि यानी पिछले साल से ही यानी वैकेंसी फॉर्म से यानी बहुत कम निकल रही है, और इसमें भी उनका यानी सिलेक्शन चुनाव नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो ऐसे में खास ही यानी बहुत सारी युवाओं में बेरोजगार हो गए हैं, ठीक है, और स्थिति यानी बहुत खराब होती जा रही है, पढ़ाई तो होती जा रही है, पर यानी पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर देख रहा है कि यानी लॉकडाउन से ही यानी कॉलेज भी बहुत कम, क्लासेस भी बहुत कम लग रही है, ठीक है, और रोजगार के भी अवसर बहुत कम था, तो स्थिति तो बहुत बेकार बनेगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद से ही यानी देख रहे थे यानी बहुत सारी युवा वर्ग के बेरोजगार हो गए, ठीक है, और ऐसे में फिर यानी जो प्रशासन के जो यानी होकर स्कीम यहाँ पर जो निकली थी वो भी बंद हो जाएगी। तो पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान पीजी कॉलेज के छात्र अर्पित शर्मा ने कहा कि कोरोना महामारी से हर वर्ग प्रभावित है, लेकिन जिस प्रकार के हालात है उसे बेरोजगारी बढ़ना तय है, वैसे भी बालाघाट जिले में रोजगार के अवसर युवाओं के लिए नहीं है, आने वाले समय में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। देखिए जो अभी स्थिति चल रहा है, जो मतलब पेंडेमिक फैला है, उससे हर वर्ग प्रभावित है, और मतलब सबका अपना अपना समस्या है, जो निचला वर्ग है उन लोग का समस्या बहुत ज़्यादा है, ऊपर का जो है उन लोग का खाने कमाने का व्यवस्था है तो उन लोग को उतना समझ में नहीं आता है, लेकिन नीचे वालों का ना रोज़ी पर मार पड़ा है तो उन लोग के लिए मतलब जीवनी समस्या हो गया है। अगर जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आपके भविष्य में कितनी संभावना है रोज़गार की? देखिए हम तो मतलब हमारा प्राइवेट ही काम करने का पूरा स्कोप है, तो हमें लगता है कि हमारा बहुत स्ट्रगल होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हमसे बेहतर हर जगह मौजूद हैं, जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है और रोज़गार के अवसर उतने हैं नहीं, तो जो रोज़गार मिलता है उसे बरकरार रखने के लिए भी लगातार मेहनत करनी पड़ती है। 6 अप्रैल 2021 को प्राप्त रिपोर्ट में जिले के 39 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक हो जाने पर 6 अप्रैल को उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 201 हो गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि इस प्रकार बालाघाट जिले में 6 अप्रैल 2021 तक कुल 3,639 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3,420 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और 18 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। कोरोना पॉजिटिव 201 मरीजों में से 147 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, 33 मरीजों को अस्पताल के आइसोलेशन बेड पर रखा गया है, 14 मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई वाले बेड पर रखा गया है और 7 मरीजों को आईसीयू में रखा गया है। बालाघाट जिले में 6 अप्रैल 2021 तक कोरोना टेस्ट के लिए 93,354 सैंपल लिए जा चुके हैं।
कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों को और उनके परिजनों को यह लगातार सलाह दी जा रही है कि वह कोविड पॉजिटिव होने के बाद या फिर उनके परिजनों के पॉजिटिव होने पर घर पर ही रहे, जिससे यह संक्रमण किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित ना कर सके, बावजूद इसके कि लोग इन नियमों का पालन नहीं कर रहे। ऐसा ही एक मामला शहर के वार्ड नंबर 29 में प्रकाश में आया है, जब यहाँ का निवासी राधेश्याम मेश्राम की पत्नी के पॉजिटिव होने के बाद भी शहर में वह घूम रहा था। शिकायत मिलने पर नगर पालिका की टीम के द्वारा राधेश्याम मेश्राम पर FIR दर्ज कराने की कार्रवाई की गई। ये वार्ड नंबर 29 का रहवासी है, जिसके प्रभारी श्री मस्की जी हैं, जो नगर पालिका वार्ड प्रभारी हैं। इनके द्वारा इनकी पत्नी इनके घर पर पॉजिटिव पाई गई है, ललिता मेश्राम करके, और इनको सुनीता मेश्राम करके, और इनके घर पर वार्ड प्रभारी द्वारा 3-4 बार बताया भी गया, तब भी इनके द्वारा कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। और इस वार्ड के जो पूर्व पार्षद है विनय जायसवाल जी, उनके द्वारा फ़ोन पर सूचना प्राप्त हुई कि उनका पति घूम रहा है, राधेश्याम मेश्राम। इस संबंध में पुलिस विभाग, नगर पालिका और पार्षद महोदय के मार्गदर्शन में कार्रवाई की गई है, जो जिला प्रशासन और नगर पालिका के कोविड के नियम हैं उनके तहत इनके खिलाफ़ FIR दर्ज की कार्रवाई की जा रही है। एक ही व्यक्ति के खिलाफ लिखी जा रही है? हाँ, एक व्यक्ति अगर कोई भी नियमों का उल्लंघन करेगा, कोविड के नियमों का, अगर उनके घर में कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको घर पर रहने की सलाह दी जाती है। अगर उनके द्वारा उल्लंघन किया जाएगा तो माननीय कलेक्टर महोदय एवं जिला प्रशासन तहसीलदार साहब उनके निर्देशानुसार FIR की कार्रवाई की जाएगी। यहाँ नगर पालिका की कार्रवाई एकदम सही दिखाई दे रही है, लेकिन इस कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या शहर में एकमात्र राधेश्याम मेश्राम ही है कि जिसके घर में कोई पॉजिटिव है और वह शहर में घूम रहा है? अन्य कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके घर में कोई पॉजिटिव हो और वह शहर में ना घूम रहा हो? क्या नगर पालिका किसी की शिकायत का इंतजार कर रही है या फिर उन रसूखदार लोगों से डर रही है जिनके घर में कोई पॉजिटिव है और बाकी परिवार के लोग आराम से शहर में घूम रहे हैं? जिला प्रशासन ने बीते दिनों इस बात का खुलासा किया था कि कोरोना संक्रमण इन दिनों सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर के व्यापारी वर्ग में फैल रहा है। तो ऐसे में क्या शहर के जो व्यापारी पॉजिटिव आए हैं उनके परिजनों के द्वारा अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए? ऐसा तो शहर के भीतर कहीं भी कुछ होता दिखाई नहीं दिया। तो फिर क्या नगर पालिका एक व्यक्ति पर कार्रवाई कर बाकी सब पर खोप उत्पन्न करने की कोशिश करते दिखाई दे रही है? नगर पालिका परिषद के द्वारा 7 अप्रैल को शहर के प्रेमनगर और वार्ड नंबर 27 स्थित 2 दुकानों को सील करने की कार्रवाई की गई। दोनों दुकानों को सील करने के विषय में जानकारी देते हुए नगर पालिका के कर्मचारी ने बताया कि आशीष दुलानी के कोविड पॉजिटिव आने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य दुकानों का संचालन कर रहे थे, जिस पर नगर पालिका के द्वारा कार्रवाई की गई। मामले एक कि उनके परिवार में उनका जो बड़ा भाई है वो कोविड पॉजिटिव आया, आशीष दुलानी, जिनकी प्रेमनगर में एक दुकान थी उसको सील की गई, और एक वार्ड नंबर 27 में उनके भाई की दुकान है राहुल दुलानी, उनकी दुकान को सील की गई। एक ही परिवार के सदस्य थे, एक ही मकान में रहते हैं। तो किस तरह की जानकारी लगी थी? ये वार्ड प्रभारी के द्वारा जानकारी दी गई थी, जिसके तहत उनके द्वारा दुकान करने सील करने के लिए मना किया जा रहा था, क्योंकि शासन के निर्देश अगर परिवार का कोई भी सदस्य आता है तो उनकी दुकान और वो सील की जाए, ताकि कोरोना संक्रमण को अधिक से अधिक रोका जा सके फैलने से। तो आपने बात तो करी होगी संचालक से? जी, तहसीलदार साहब से बात हुई थी, तहसीलदार साहब महोदय के निर्देश में ही हमने दुकान को सील की। ये उनकी गलती है, उन्होंने बताया नहीं था, शासन प्रशासन को बताना चाहिए कि ये जवाबदारी होती है उनकी, बताते नहीं है, लोग पॉजिटिव आ जाते हैं और दुकान खोल लेते हैं। और भी लोग आए कैसे? जो आ रहे हैं उनको पूरा सील किया जा रहा है नियम से, बड़े व्यवसायी हों चाहे छोटे व्यापारी हों, उनको सील करने की कार्रवाई की जा रही है। लांजी तहसील के बहला थाना के अंतर्गत लांजी रिसेवाड़ा मार्ग के सावरी लोहारा के बीच जंगल में एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर रोड नीचे उतरकर पेड़ से टकराते हुए दूर जा गिरी। इस घटना में 2 व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार यह घटना मंगलवार बुधवार की रात तकरीबन 11 से 12 के बीच बताई जा रही है, जब अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई। इस घटना में बगड़ी निवासी रामदास उइके और पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के पिपरिया निवासी बताए जा रहे हैं। बहेला पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए बहेला हॉस्पिटल भेजा गया। घटना में दोनों मोटरसाइकिल सवार की मौत होने की वजह से दोनों मृतकों की पहचान करने में पुलिस और स्थानीय जनों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा। 7 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हाई लेवल मीटिंग की गई। इसके बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में संडे को लॉकडाउन और आगामी 3 माह तक सभी शासकीय कार्यालयों में सप्ताह में केवल 5 दिन संचालित किए जाने और शनिवार रविवार को पूरी तरह से कार्यालय को बंद रखने के आदेश जारी किए गए।
इसके अलावा शासकीय कार्यालय के खुलने और बंद होने के समय में भी परिवर्तन कर दिया गया है। नए नियम के तहत अब सभी शासकीय कार्यालय सुबह 10 से 5 बजे तक संचालित होंगे। यही नहीं, सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, जो 8 अप्रैल की रात से अमल में लाया जाएगा। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में संक्रमण का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ने की वजह से छिंदवाड़ा को आगामी 8 अप्रैल से 7 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन भी कर दिया गया है। जिले के गढ़ी थाना के अंतर्गत जबलपुर रायपुर नेशनल हाईवे 30 पर बेलगाम ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। ट्रक की जबरदस्त टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कुलदीप पट्टा 30 वर्ष ग्राम पंडरी थाना गढ़ी निवासी है। गढ़ी पुलिस ने ट्रक चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 अप्रैल को सुबह 9:30 बजे कुलदीप पट्टा पांडुतला से मोटरसाइकिल से अपने गांव पंडरी जा रहा था, तभी ग्राम पंडरी के पास रायपुर से जबलपुर की ओर तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। ट्रक की जबरदस्त टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार कुलदीप पट्टे की मौत हो गई।